नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश, आप सबका ड्रीम इलेवन X40 में स्वागत करता हूँ। दोस्तों अभी हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश के बीच होने वाले ओडीआई सीरीज के पहले वनडे मैच का, जो कि दोस्तों साउथ अफ्रीका में होने वाला है। अभी हम सब ने देखा है कि जैसे टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश बुरी तरह से हारी, तो यहाँ पर भी सेम एस होने वाला है दोस्तों। उससे थोड़ा बेटर खेल सकती है बांग्लादेश की टीम, लेकिन वो फिर भी हारेगी। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोग टॉप ऑर्डर से ज़्यादा बल्लेबाज लेने का ट्राई करिएगा, और गेंदबाज साउथ अफ्रीका के दोस्तों, ये दोनों चीज़ें रहनी जरूरी है ताकि आप लोग विन कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस मैच के बारे में। दोस्तों जो पिच है वो थोड़ी सी बैटिंग फ्रेंडली, वनडे में अमूमन बैटिंग फ्रेंडली पिच ही बनती है, और ज़्यादातर साउथ अफ्रीका के जो मैदान होते हैं वो फास्ट बॉलर को ही मदद करते हैं। तो हम लोग चलिए अब साथ साथ टीम भी बनाते जाएंगे और थोड़ी सी चर्चा करते जाएंगे खिलाड़ियों के बारे में। दोस्तों यहाँ पर हम लोगों के पास दो ऑप्शन है, डिकॉक और रहीम। डिकॉक ओपन करते हैं इसलिए बेस्ट ऑप्शन है, आप इनके साथ ही जाइए 100%। और एक कैप्टन वाइस कैप्टन के भी शानदार ऑप्शन है दोस्तों, तो हम यहाँ पर डिकॉक के साथ जाएंगे। अब बेस्टमैन की बात कर ले तो यहाँ पर डिविलियर्स की वापसी कर रहे हैं, तो हम इनके साथ जाएंगे आमला। और दोस्तों एक न्यूज़ बता दूँ, तमीम इकबाल का फिटनेस टेस्ट होगा, उसके बाद ही खेलेंगे दोस्तों। तो ये थोड़ा सा रिस्क है, आप इनके साथ लास्ट मोमेंट जब कन्फर्म न्यूज़ आए तभी आप इनके साथ जाइएगा। ठीक है दोस्तों, मैं डेविड मिलर के साथ कल बस इस नाम से जा रहा हूँ क्योंकि इनका 7वां मैच है, तो कल ये अच्छा कर सकते हैं डेविड मिलर का। आप तो या इनके जगह आप लोग फाफ डू प्लेसिस के साथ भी चले जाइए, लेकिन क्रेडिट प्रॉब्लम के चलते मैं डेविड मिलर के साथ जाऊँगा। और शब्बीर रहमान का भी कन्फर्म नहीं है दोस्तों उतना, हम लोग यहाँ पर जाएंगे मोमिनल हक के साथ। ये बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं आजकल, इनका देख सकते हैं सिलेक्शन बस 15% है, और ये अच्छा खासा बल्लेबाजी कर सकते हैं दोस्तों। अगर ऑप्शन और चाहिए तो यहाँ पर मैं बता दूँ, सोम्य सरकार, इमरान कैश, दो और अच्छे ऑप्शन हैं बांग्लादेश की तरफ से। अब ऑलराउंडर की बात करें तो हम लोग जाएंगे शकीबुल हसन और मोहम्मदुल्ला। दोस्तों ये दोनों बांग्लादेश की टीम की रीढ़ की हड्डी है बैटिंग में, मोहम्मदुल्ला बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, और शकीबुल हसन तो फिर ऑलराउंडर है, समझ सकते हैं इनको। और यहाँ पर और एक ऑप्शन बता दो दोस्तों, जेपी ड्यूनी का कल खेलना तय है, और एनडी का भी दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ 70% खेलना फिक्स है दोस्तों। एनडी या वार्न पर्नेल में से कोई एक खेलेगा, तो इस चीज़ में आप यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से कल एनडी खेलेंगे तो आप इनके साथ रिस्क ले सकते हैं। दो ही ऑलराउंडर के साथ मैं जाऊँगा, आप ड्यूनी के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन नीचे बैटिंग करते हैं तो चेस करेगी टीम, तो इनकी बैटिंग आने के चांसेस बहुत ही कम है, तो मैं इस हिसाब से टीम बना रहा हूँ दोस्तों। अब बॉलर की बात करें तो ताहिर रवाड़ा, और सबसे पहले तो आप लोग डेन पीटरसन, इनके बारे में ये है दोस्तों, यहाँ पर इनका सिलेक्शन आप देख सकते हैं, इनका ये डेब्यू करेंगे, कंफर्म न्यूज़ है, ऑफिशियल न्यूज़ है, तो आप इनके साथ जाइए। और मुस्तफ़े मुर्तजा के साथ मैं जा रहा हूँ दोस्तों, अगर आप लोग क्रेडिट एडजस्ट कर पाए तो रहमान के साथ भी जा सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन खेलेंगे, रहमान, रुबेल हसन और मेहंदी हसन, ये तीन खेलेंगे ही खेलेंगे दोस्तों, और वेन फर्नेल का खेलना, और फिर एनडी की जगह से कोई, दोनों में से कोई एक खेलेगा, बाकी तो प्लेइंग इलेवन जितना बताया उतना में से ही कोई होगा। अगर ये वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो ज़रूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को। दोस्तों कैप्टन मैं क्वेंटन डिकॉक के साथ जाऊँगा, वाइस कैप्टन हसीम आमला। अगर चेस करेगी दोस्तों तो विकेट शायद ही गिरे, इस हिसाब से मैं दोनों के साथ जा रहा हूँ, दोनों कैप्टन में ओपन करेंगे। और ऑप्शन बता देते हैं, एवी डिविलियर्स और साकिब अल हसन, दो अच्छे और ऑप्शन हैं आप लोगों के पास, सेव कर लेते हैं इस टीम को। अगर वीडियो पसंद आ जाता है दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और जुड़े रहिए ड्रीम इलेवन एक्सपर्ट टीम के साथ। धन्यवाद।